हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हो। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अपने सीने को चौड़ा कैसे कर सकते हैं, अपनी छाती को चौड़ा कैसे कर सकते हैं। कोई बहुत भाई होगा जो सीने होता है वो अंदर की तरफ पटका होता है, इस कंडीशन में मतलब चौड़ा नहीं होता है। तो उसी के लिए मैं आज आपको इंपॉर्टेंट वर्कआउट बताऊंगी कि हम जब हम टी शर्ट वगैरह कहीं पर भी निकाल देते हैं तो इस कंडीशन में हम लगते हैं। जब हमारा सीना चौड़ा होता है हमारी छाती चौड़ी होती है इस कंडीशन में। और कहीं पर भी गली मोहल्ले में बस्ती में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई का सीना की कितनी छाती चौड़ी है। तो मर्द वाली छाती जब ही होती है जब हमारी चौड़ी होती है। तो उसी को चौड़ा करने के लिए, अपने चेस्ट को चौड़ा करने के लिए, अपनी छाती को चौड़ा करने के लिए ही मैं आज आपको कुछ इंपोर्टेंट वर्कआउट बताऊंगा। तो एक ना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर किसी ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दो ईंटों के साथ और बॉडी वेट के साथ पूरे एकदम चेस्ट को चौड़ा कर देंगे, पंप कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहला जो वर्कआउट लगाना है इस कंडीशन में लगाना। तो हमें यहाँ पर दो ईंटों की जरूरत पड़ने वाली है और आपको पीछे से आपको एक स्टूल की जरूरत पड़ने वाली है जो कि मैंने यहाँ पर नाल ले रखी है। तो इस कंडीशन में पीछे से थोड़ा ऊंचा रखना है और ईंटों को थोड़ा वाइट रखना है, अपने शोल्डर से थोड़ा दूर रखना है इस कंडीशन में। तो ईंटों को थोड़ा बैलेंस बना के रखना ताकि आप गिरो ना इस कंडीशन में। और पीछे से पैर ऊंचे करने हैं इस कंडीशन में, स्क्यूज करना पूरा एकदम। और अपने हाथों को थोड़ा चौड़ा रखना, बॉडी को सीधा रखना एकदम। और अच्छी कंडीशन में सिलो नीचे जाना और पूरा एकदम चेस्ट पे लोड पूरा पंप इस कंडीशन में, स्क्यूज करना ऊपर की तरफ पूरा स्क्यूज करना है। पूरा तकड़ा लोड डालेंगे, भी तकड़ा लोड जब तक नहीं आएगा तो हमारा जो चेस्ट है कैसे चौड़ा होने वाला है। तो इस वर्कआउट को आपको इस कंडीशन में करना है और हर वर्कआउट के 3 से 4 सेट लगाने मैक्सिमम। और जब तक आपकी मसल दुखने न लगे, यानी कि आपकी मसल मने ना कर दे कि मतलब थोड़ा रेस्ट ले लो, तो जब तक आपको वर्कआउट करते रहना। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में करना है। और अब हम लगाएंगे अगला वर्कआउट जो कि हमें नॉर्मली पुशअप्स लगानी है। नॉर्मली पुशअप्स में हमें पहले क्लोज जाना है, मतलब वाइड जाना है, और फिर हमें क्लोज जाना, यानी कि पहले दूर जाना है इस कंडीशन में। पहले सिलो नीचे ये पास और फिर से हमें थोड़ा दूर इस कंडीशन में, फिर से पुशअप्स लगाई और फिर से वाइट और फिर से और वाइट इस कंडीशन में। और फिर से हमें पास लाना इस कंडीशन में, फिर से हमें पास लाना इस कंडीशन में। और ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में लगाना है। तो आप इस चीज़ को मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, 10 से 15, 20 से 25 पुशअप्स लगा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ही अच्छा आपके चेस्ट को चौड़ा करने में। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में लगाना। और अब हम लगाएंगे अगली एक्सरसाइज जो कि हमारे चेस्ट को चौड़ा दिखाने में बहुत ही ज़्यादा, चौड़ा करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में लगाना है। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में लगाना, अपने हाथों के जो पंजे हमारे वो इस कंडीशन में पीछे की तरफ कर लेने हैं, पीछे की तरफ कर लेने हैं। और आगे की तरफ आप हमें जो हमारी जो बॉडी का मतलब वजन है तो हमें आगे की तरफ रखना है इस कंडीशन में, जितना आप आगे की तरफ कर सकते हैं इस कंडीशन में, आगे की तरफ ये इस कंडीशन में आगे आगे की तरफ आपको बैलेंस रखना है। और सिरों नीचे जाना है और फेस ऊपर की तरफ और इसकी ऊपर इस कंडीशन में, इसकी ऊपर करना है सिलो नीचे और ये इसकी ऊपर इस कंडीशन में, सिलो नीचे इसकी ऊपर। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में लगाना। और अब हम लगाएंगे ईंटों के साथ खड़े खड़े, इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं। तो ये इस कंडीशन में ईंटों को सामने की तरफ उठाओ और ये वाइट करो, यानी कि थोड़ा दूर ले जाना और फिर से हमें पास लेकर आना इस कंडीशन में, सिलो दूर और पास इस कंडीशन में। तो इस वर्कआउट को भी आपको, और जो मैं आपको वर्कआउट बता रहा हूँ हर एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट ही लगाने हैं। और जब तक आपकी मसल मने ना करने लगे कि मैं मतलब थोड़ा रेस्ट ले लो, जब तक आपको वर्कआउट करते रहना, यानी कि हमें मसल फेलियर तक वर्कआउट करना। कोई भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, किसी भी मसल को पंप करने के लिए कर रहे हैं, किसी भी मसल को ट्रेन करने के लिए कर रहे हैं। तो अगला वर्कआउट लगाएंगे आखिरी और फाइनल वर्कआउट जो कि हमें इस कंडीशन में लगाना है। तो फिर से हमें अपनी ईंटों को यहाँ पर इस कंडीशन में खड़ा कर लेना है। और यहाँ पर भी हम थोड़ा बैलेंस बना कर रखेंगे क्योंकि हम मतलब यहाँ पर वर्कआउट कर रहे हैं चेस्ट को चौड़ा करने के लिए, और पता लगे कि हमारे मुंह पर चोट लग चुकी है। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा बैलेंस बना कर रखना है, थोड़ा दूर की तरफ ईंटों को रखना है इस कंडीशन में और बॉडी को सीधा और पूरा आप जितना नीचे जा सकते हैं इतना नीचे जाएं, स्क्यूज करना ऊपर की तरफ, सिलो स्क्यूज पूरा नीचे जाओ और पूरा हाथ यहाँ पर थोड़ा होल्ड करना है और ये स्क्यूज करना ऊपर की तरफ, सिलो नीचे और ये स्क्यूज। तो ये वर्कआउट हमें इस कंडीशन में लगाना। तो हर वर्कआउट के आपको 3 से 4 सेट ही लगाने हैं जो मैंने आपको वर्कआउट बताई है, और मसल फेलियर तक आपको जाना है। तो ये वर्कआउट हो चुका फाइनल और पूरा एकदम चेस्ट अच्छी तरीके से पंप हो चुका, चौड़ा हो चुका, एकदम तकड़ा हो चुका है और आपका चेस्ट एकदम चौड़ा। तो आप कहीं पर भी गली मोहल्ले में जाएंगे तो भाई लोग कहेंगे कि भाई का छाती एकदम चौड़ा, इस कंडीशन में चलोगे ये तो भाई एकदम तकड़े लगने वाले हो, मस्त लगने वाले हो। तो ये वर्कआउट से आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हमारी मतलब हमारी चेस्ट को चौड़ा करने में हमारी मसल सबसे ज़्यादा काम करती है, यानी कि हमारी मसल जब तक बड़ी मतलब बढ़ेंगी नहीं तो हमारा जो चेस्ट है चौड़ा कैसे होगा, चौड़ा कैसे होगा दोनों तरफ को। तो हमें उसके लिए डाइट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो जब ही हमारी मसल बनेंगी, जब हम डाइट अच्छी लेंगे, तो आपको हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि आप मतलब अंडे से ले सकते हैं, चिकन से ले सकते हैं, पनीर से ले सकते हैं, और काले वाले चने से आप हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं, जिससे कि हमारा चेस्ट एकदम चौड़ा होने लगेगा, एकदम छाती एकदम चूड़ी हो जाएगी। तो ये वर्कआउट आपको फॉलो करना, डाइट अच्छी लेनी है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। और आप आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर आनी है कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नेटवर्क के साथ। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।